नसीबा की पार्टी में एक अमीर बंदा आया होता है जो कि मिर्ज़ा साहब होते हैं। मिर्ज़ा साहब फदीमा का गाहक होता है। वो चाहता है कि क्योंकि नसीबा उसे पिक्चर सेंड करती है और साथ में ये दावा करती है कि आप मुझे सीटें दिलवाएंगे और मैं आपको इतनी खूबसूरत लड़की आपके हवाले करूँगी, जबकि उस मिर्ज़ा साहब की बीवी घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो उसे देखता तक नहीं है। जबकि सलार जो है वो जेल की सलाखों में बंद होता है, उसकी दोस्त उसकी मदद कर रही होती है, उसके लिए अच्छा सा अच्छा वकील हायर कर रही होती है। सलार को इस बात पर बहुत खुशी होती है। जबकि वदीमा की वालदा अपने शौहर से कहती है कि इस वक्त जो वदीमा के लिए सच्चा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ सलार है जिसको आपने बंद करवा दिया। अपने भतीजे और अपने भाई कहाँ हैं, वो अब तुम्हारे सगे रिश्ते। वदीमा जो कि अपनी जंग लड़ रही होती है कि किसी तरह से वो घर से बाहर भाग जाए, जबकि उसे नहीं पता कि वो कितने ख़तरनाक आदमी के पास जाने वाली है, वो है मिर्ज़ा। मिर्ज़ा साहब के बंदे लेने के लिए आ चुके होते हैं वदीमा को। वदीमा का बाप आता है थाने में और कहता है कि मुझे सलार को वापस छुड़वाना है। वदीमा गाड़ी से भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम कोशिश होती है। उसे बंदे पकड़ लेते हैं और बंदूक के ज़ोर पे उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए कार में लेके जाते हैं और वो समझाता है अपने फार्म हाउस में जाके कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपना चेहरा देखने के लायक नहीं होगी। वदीमा का बाप बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी के लिए। जबकि सलार का जो दोस्त है वो भी आ जाता है। वो कह देता है कि इसमें सब में सबका जो सबसे बड़ा है ना, वो बॉस ही कर गया है हमारा, वही पीछे पड़ा था सलार के। मुझे लग रहा है जो वो फरार हुआ है उसी का सब काम है ये।